हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के फिर से एक नए और एक्साइटेड वीडियो में। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि सीआरपीएफ ट्रेसमैन रिक्रूटमेंट यानी कि सीआरपीएफ ट्रेसमैन भर्ती 2021 के बारे में बताऊंगा, जिसमें पद मिलेंगे आपको दोस्तों 21,556 पोस्ट मिलेंगे। तो सब डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा तभी आप वीडियो के बारे में जान सकेंगे। उससे पहले जरूरी आपके लिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और सामने बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को शेयर कर लेना। ऐसे क्या होगा, जितने सारी मैं भर्ती की जानकारी लाता हूँ दोस्तों, आप सबसे पहले यूट्यूब पर पा सकेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो भर्ती है दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रांसमेंट रिक्रूटमेंट 2021 है दोस्तों। इसमें जो पद है, इसमें जो पद है दोस्तों, 21,556 पोस्ट इसमें आपको दी गई है। अगर पोस्ट की बात करें तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 51,556 की पद है दोस्तों। पोस्ट का अगर नाम की बात की तो कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल ट्रेसमैन की ये भर्ती है दोस्तों। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन के जरिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो इसकी जो लोकेशन है एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी दोस्तों 18,000 रुपये से लेकर 69,100 में आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर बात करें तो इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए अप्लाई फी की बात करें 100 रुपये इसमें लगेगा जनरल ओबीसी को, और SC ST के लिए कोई भी फी नहीं लगेगी दोस्तों। एज लिमिट की बात की है तो दोस्तों 18 ईयर से लेकर 28 इसमें एज रखी गई है दोस्तों। अगर बात की तो एज आपकी होनी चाहिए दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से 18 ईयर आपको कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। SC ST में 5 साल की रजिस्ट्रेशन मिलेगी और OBC को 3 ईयर की लाइसेंस में मिलेगी दोस्तों। अगर बात की जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की तो इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाइट की बात की, इसमें आपको हाइट मिलेगी दोस्तों 170 सेंटीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट होनी चाहिए, नॉन कैंडिडेट के लिए 165 और फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए दोस्तों। चेस्ट की बात की तो बिना फुले आपके 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला अगर 5 सेंटीमीटर एक्सपेयर यानी कि बढ़ना चाहिए दोस्तों। सीआरपीएफ रनिंग टेस्ट एंड लॉन्ग जम्प टेस्ट की बात की तो इसमें आपको कोई भी रनिंग टेस्ट सिर्फ मेल और फीमेल की इसमें की जाएगी दोस्तों। जैसे कि PET फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रनिंग होगी दोस्तों, 18 सेकंड में क्वालिफाई करना है, 18 मीटर रनिंग होगी, 4 मिनट में क्वालिफाई करना है, और लॉन्ग जंप होगी दोस्तों 9 फीट 3 इंच मिलेंगे इसमें दोस्तों, और हाई जंप इसमें होगा 3 फीट की दोस्तों। और अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 100 मीटर की रनिंग होगी, 60 सेकंड में क्वालिफाई करना है, 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करना है, लॉन्ग जंप होगी 12 फीट की इसमें 30 3 इंच मिलेंगे, और हाई जंप 3 होगी 3 फीट 9 इंच इसमें आपको 3 चांस में क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की तो 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसमें आपको पहले रिटन एग्जाम, इसके बाद फिजिकल मेडिकल, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आपको करना होगा, फिर इसमें बाद इसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी दोस्तों, इसमें फोटो यानी सिग्नेचर होना चाहिए, लाइट कलर फोटो होना चाहिए दोस्तों, और एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 12वीं पास की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, अगर पैन कार्ड आधार कार्ड है तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो इसमें अप्रैल की फर्स्ट वीक से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें लास्ट वीक और मई तक ये आवेदन चलेगा दोस्तों। तो यही थी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक नहीं किया तो शेयर नहीं कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास या रिलेटिव के पास, और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। सामने एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो फिर मिल जाएगा नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।